आदि शेर, क्या बात है, बहुत अच्छे। अच्छा साथियों, हम गायक कलाकार अशोक लाल यादव, समाजवादी पार्टी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ अध्यक्ष सगड़ी विधानसभा आजमगढ़, ग्राम प्रधान, ये जो लहर उठी है घर घर में, जन जन में, सारे लोग खुश हैं, अब विरोधी दल घबरा भी गए हैं। ये बुआ बबुआ का जो गठबंधन है, ये सपा बसपा का जो गठबंधन है, सपा बसपा का ही गठबंधन नहीं, दलित मजदूर किसान नौजवान और सभी साथियों का गठबंधन है। एक हिंदुस्तान के भावरे बोलने वाले, झूठ बोलने वाले लोगों के खिलाफ गठबंधन है। और गौर करिएगा, ए बुआ बबुआ का गठबंधन हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हिल गए, और भारतीय जनता पार्टी के लोग 39 पार्टियों से पूरे भारतवर्ष में गठबंधन किया है, कभी बुआ बबुआ इस पे टिप्पणी नहीं किए। कहना है, गीत का बोल है, तब बुआ बबुआ के ललकार, बुआ बबुआ के ललकार हिलल बाबोदी सरकार, बुआ बबुआ के बुआ बबुआ के ललकार हिलल बा मोदी सरकार, जन जन में उठल बा लहरिया ये बाबूजी, जन जन में उठल बा लहरिया ये बाबूजी, हिल गइल मोदी को टनरिया ये बाबूजी, हिल गइल मोदी को टनरिया ये। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हिंदुस्तान की भोली भाली जनता को ठगने का काम किया है, लूटने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी के लोग 2014 में डिजिटल इंडिया का सवाल करते थे, डिजिटल इंडिया बनाने का बात करते थे, लेकिन माननीय अखिलेश यादव ने 2012 में जब पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में बनाए, लैपटॉप वितरण करके पूरे हिंदुस्तान को डिजिटल, पूरे उत्तर प्रदेश को डिजिटल इंडिया बनाने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कुछ और, करते हैं कुछ और, इसलिए कहना है, मेरी गीत पे गौर करिएगा। सगर भाजपाई बन गइल चौकीदार हो, मेरे साथियों गौर करिएगा, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा था 2 करोड़ नौकरी देंगे एक साल में, 5 × 10 करोड़ नौकरी देने का 5 साल में वादा किए थे, लेकिन बारे भारतीय जनता पार्टी के झूठे लोग लोगों को चौकीदार बनाने का काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। सारे लोग चाहते हैं मैं पढ़ लिख करके डीएम एसडीएम और अच्छे पोस्ट पर हूँ, लेकिन बारे भारतीय जनता पार्टी के झूठवा सा चौकीदार बना देना, वो कैसन चौकीदार, बेतनखा ही का, बिना तनखा के चौकीदार,
अंध भक्ति के चौकीदार बन गए भारतीय जनता पार्टी के लोग। लेकिन गौर करिएगा, क्या सगरी भाजपाई बन गई ले चौकीदार हो, हला फार हो, रामचंद्र जी पूछे क्या पूछे लक्ष्मण। लक्ष्मण ने सवाल कर दिया, भैया भ्राता राम अब की बार भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने याद नहीं किया। रामचंद्र ने जवाब दिया, आ लक्ष्मण ए भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मुझे त्रिपाल के नीचे कर दिया है और कटघरे में खड़ा कर दिया है। अरे जब मेरे नहीं हुए भारतीय जनता पार्टी के लोग तो भोली भाली जनता को तो कभी भी लूट सकते हैं। कहे भैया आपने जवाब नहीं दिया। कहे भारतीय जनता पार्टी के लोग अब की बार आर्मी वालों से काम चला रहे हैं, आने वाले समय में हो सकता है फिर बाद में याद करेंगे। मेरे साथियों गौर करिएगा, नोटबंदी से दिमाग फेरने के लिए, मुद्दा भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक करवाया और 24 तारीख को राम मंदिर का, 24 फरवरी को राम मंदिर की नींव का सवाल था। आरएसएस के लोग कहा करते थे कि 24 तारीख को राम मंदिर बनेगा और इधर 14 फरवरी को भारत के कश्मीर के पुलवामा में एक आतंकवादी हमला हुआ। बताइए मेरे साथियों, एक आदमी 1 किलो गांजा लेकर के दिल्ली स्टेशन पे नहीं जा सकता, बनारस स्टेशन पे नहीं जा सकता, गोरखपुर स्टेशन से नहीं निकल सकता। और हिंदुस्तान की खुफिया एजेंसी क्या कर रही थी, मोदी सरकार की खुफिया एजेंसी क्या कर रही थी जो 2 क्विंटल 65 किलो आरडीएक्स लेकर के हिंदुस्तान के कश्मीर के पुलवामा में वह आदिल आतंकवादी घूम रहा है। ये सोची समझी साजिश है। राम मंदिर भूल गए सारे लोग, 44 जवान शहीद हुए, सारे लोग राम मंदिर को भूल गए। गौर करिएगा, क्या तधोखा राम के साथ कैला धोखा राम के साथ कैला हनुमान का ना भैला धोखा राम खराम के साथ कैला हनुमान काला भैला 15 लाख वाला मदरिया ये बाबूजी 15 लाख वाला मदरिया ये बाबूजी हिल गइल मोदी का टंगरिया ये बाबूजी हिल गइल मोदी का। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा था मुझे गंगा माँ ने बुलाया है। गंगा माँ बिचारी तरस रही है, मेरा लाडला पूत कब आएगा। जो गंगा माँ का नहीं हुआ वो भोली भाली जनता का क्या हो सकता है। इधर गौर करिएगा, 15 लाख का वादा किए थे भारतीय जनता पार्टी के लोग, 15 पैसे किसी जनधन के खाते में नहीं आया।
पंद्रह पैसे नहीं आया। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग जानतवा का बटत हुआ साढ़ चराही बाटत हुआ दू दू हजार भारत भारतीय जनता पार्टी का झूठा सा साढ़ चराही से वोट मिल जायी जानतवा पैसा कहे दू दू हजार देत हुआ सर कैसल भैया पचास पचास गो इन का साढ़ घूमत रह खेत में चरत रह एल यही सब साढ़ चराही बाटत हुआ कहना बाका डिजिटल इंडिया का करत रहले बात हो काला धन आइल नहीं झूठ भइला बात हो हमार गांव द्वारा है आजमगढ़ एगो हमारे गांव के चाची कहली ए बाबू प्रधान ए बछरू पंद्रह लखवाई भजपैया कुल ना दी हलो हम कहली चाची कुल पंद्रह पैसा ना दी हो कहली वही दो गलवन के खोजत हई कर खही हाड़ी लेके जहिया दुआरे पर हाड़ी उनके कपारे पर फोड़ हम कहली चाची वो सब अब हेलमेट लगा के चलत हो क्या कहना मास्टर गंगा माई का नाम भैला गंगा माई का नाम भैला झूठा वादा सबसे पहला गंगा माई का गंगा माई का नाम भइला झूठा वादा सबसे कइला बुआ बबुआ उठल बा लहरिया ले बाबूजी बुआ बबुआ उठल बा लहरिया ले बाबूजी हिल गइल मोदी का टंगरिया ले बाबूजी हिल गइल मोदी का टंगरिया ले और मेरी एक बात और गौर से सुन लीजिएगा हमारा हिंदुस्तान आज खतरे में है संकट के दौर से गुजर रहा है मेरा देश मेरे साथियों सारे भाजपाई कुल भजपैया चौकीदार हो गए अब डिजिटल इंडिया की बात ना करत हो अब 370 धारा का बात ना करत हो सर बुलेट ट्रेन भी भुला गई ना गंगा माई जहां का तहां पड़ल है लेकिन अखिलेश यादव एक किसान के बेटे हैं एक पहलवान के बेटे हैं अखिलेश यादव बहन कुमारी मायावती उस परिवार से हैं जो जमीन से उठ करके नेता बने हैं हमारे गांव के बगल के एक जाने कहला भारतीय जनता पार्टी का नेता नेताजी कहला कि हम हूं चौकीदार तब लेटे गांव के चाची कहली तोर में हरारू पांच दिन से बगाई लिया पर में हरारू ना खोद पौले कैसन भारत का चौकीदार तो हवे कहना बा क्या कहना मास्टर गंगा माई का नाम भइलो गंगा माई का नाम भइलो झूठा वादा सबसे कैला गंगा माई कैला गंगा
गंगा माई कैला भैला झूठा तो सबसे कैला खतरे में भारत का नेवरिया ये बाबूजी खतरे में भारत का नेवरिया ये बाबूजी हिल गइल मोदी का तलरिया ये बाबूजी हिल गइल मोदी का मेरे साथियों ये जो आरक्षण का सवाल रहा है भारतीय जनता पार्टी के लोग जो कहते हैं वो करते नहीं और उसके विपरीत काम करते हैं। गाय गोबर में उलझा करके भारतीय जनता पार्टी के लोग धर्मों में उलझा करके सबको लूटने का काम करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। भोली भाली जनता इस बात को नहीं जानती है। माननीय अखिलेश यादव साफ सुथरी छवि के नेता हैं, सादगी विचारधारा के नेता हैं। माननीय अखिलेश यादव एक हिंदुस्तान के जान हैं। इन्होंने लैपटॉप वितरण का काम किया था, कोई भेदभाव नहीं रखा। माननीय नेताजी ने समाजवादी पेंशन दिया, कोई भेदभाव नहीं रखा। डायल 100 चलाया, कोई भेदभाव नहीं रखा। 108 102 चलाया, कोई भेदभाव नहीं रखा। और मेरे साथियों किसान दुर्घटना में 5 लाख देने का काम किया अखिलेश यादव, कोई भेदभाव नहीं रखा। गौर करिएगा मेरी बात को, भारतीय जनता पार्टी वाले फिर आएंगे और झूठ बोल करके ठगने का काम करेंगे। मास्टर साहब, खतरे में पड़ल संविधान मोर बुझाला, पचासी का 15 वालन के दियाला, मेरे साथियों ये जो आरक्षण का सवाल रहा है 85 वालों को लूटने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी के लोग। मेरे साथियों गौर करिएगा मेरी बात को, 85 का हक 15 वालन के दियाला, जनता करत बललकार, जनता करत बललकार, बुआ बबुआ के सरकार, जनता करत जनता करत बललकार, बुआ बबुआ के सरकार, खतरे में भारत का नेवरिया ये बाबूजी, खतरे में भारत का नेवरिया ये बाबूजी, हिल गइल मोदी का तलरिया ये बाबूजी, हिल गइल मोदी का तलरिया ये। माननीय अखिलेश यादव ने जो काम किया है वह लोहा है। चाहे वह पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का सवाल रहा हो, माननीय अखिलेश यादव जमीन खरीदने का काम किए और भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल अखिलेश यादव के किए हुए काम पे शिलापट करके और केवल
फीता काटने का काम करते हैं। अरे बा, अरे झूठा सा, अरे नाम बदलने से विकास नहीं होगा, काम करके दिखाओ भारतीय जनता पार्टी के लोगों, खुद जनता आपके साथ हो जाएगी। लेकिन आपको काम नहीं करना है, केवल झूठ बोलना है, झूठ। देखिए माननीय अखिलेश यादव ने क्या काम किया है, सराहनीय सराहनीय काम किया है माननीय अखिलेश यादव ने। क्या अगर एक्टर पे सबे दिहला मैटा रोचा लाई, लोहिया आवास दिहला पेंशन बाटा भाई, बुआ बबुआ साथे आइलो, बुआ बबुआ साथे आइलो, सब कर मनव खुशी भइला, बुआ बबुआ साथे बुआ बबुआ साथे आइला, सब कर मनवा खुशी भइला, जन जन में उठल बा लफरिया ये बाबूजी, जन जन में उठल बा लफरिया ये बाबूजी, हिल गइल मोदी का कांगरिया ये बाबूजी, हिल गइल मोदी का कांगरिया ये। भारतीय जनता पार्टी के लोग, केवल एक काम है, क्या काम है, झूठ। और माननीय अखिलेश यादव और बहन कुमारी मायावती, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का झूठा वादा नहीं होता। अखिलेश यादव बहन कुमारी मायावती जो वादा करते हैं उसको पूरा करके दिखाते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के लोग जो वादा करते हैं उसको नहीं करते, अधूरा रखते हैं और झूठ मूठ में इधर उधर। मुझे गंगा मैया ने बुलाया है, मैं गंगा मैया को साफ करने आया हूँ। अरे मोदी जी, आप तो पूरे हिंदुस्तान के गरीबों को साफ कर दिया, और बड़े 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 चोर हिंदुस्तान से पैसा लेकर के विदेश भाग गए, और हमारे देश का चौकीदार सोता रहा। बार चौकीदार माननीय अखिलेश यादव ने एक्सप्रेसवे दिया हिंदुस्तान के उत्तर प्रदेश को, और उन्होंने सवाल भी खड़ा कर दिया भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, मैंने 350 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे बनवाया है, 5 साल मुझको दिए, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनवाया, आजमगढ़ को मैंने एशिया की दूसरे नंबर की मील दिया है, लैपटॉप दिया है, कन्या विद्या धन दिया है, 108 दिया है, डायल 100 दिया है। पुलिस वाले साथियों का भी सम्मान करने का काम माननीय अखिलेश यादव ने किया है, और गोमती रिवर फ्रंट, जलेश्वर मिश्र पार्क, और गौर कर लीजिए, जाकर के देख लीजिए, जब अभी पुलवामा हमले के बाद जब मोदी जी सर्जिकल स्ट्राइक करवाए तो 2 विमान आगरा एक्सप्रेसवे से उड़े, एक बरेली से और एक आगरा से। हमारे हिंदुस्तान के नेता अखिलेश यादव कहा करते थे, मेरा देश जब संकट के दौर से गुजरेगा तो इसी पर मैं हवाई पट्टी बना दूंगा। बारे भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल झूठ मूठ में माला फेरने का काम करते हैं, और जनता को गुमराह करते हैं, विकास के बारे में उनको कुछ पता नहीं है।
कहना है आजमगढ़ की मील एशिया खंड की दूसरे नंबर की मील है। अरे वाह! और हमारे बगल में हाजीपुर से हम लोगों ने सोचा नहीं था, एक गोला के लिए माननीय अखिलेश यादव ने सुंदर पुल का निर्माण दिया है। कहना है मास्टर, आजमगढ़ में मील दिहला एसी या कासान हो, खुशियां मनावा हमारे देश का किसान हो, आजमगढ़ की मील से किसानों का दर्द खत्म हो गया। घोसी के बहु के घोसी मील पर जाकर के किसान लाइन लगाते थे गन्ना वितरण के लिए, और मेरे साथियों 10-10 दिन लाइन में खड़ा रहते थे, मच्छर काट डालते थे। अखिलेश यादव, आजमगढ़ की ऐसी मील है, तुरंत हमारे किसान गन्ना लेकर जाते हैं और 2-4 घंटे में घर चले आते हैं। धन है मुलायम सिंह के पूत और हिंदुस्तान के जननायक माननीय अखिलेश यादव को अशोक लाल यादव सलाम करता है। कहना है क्या, बुआ बबुआ साथे बुआ बबुआ साथे सब कर मनवा खुशी भैला, बुआ बबुआ साथे बुआ बबुआ का जो गठबंधन हुआ है आज हुआ है। लेकिन मेरे साथियों, बुआ बबुआ का जब संकेत हुआ, केवल भारतीय जनता पार्टी वाले कह रहे थे बेर और केर की संगत है। क्या कहते थे, बेर और केर की संगत है, ये बेर केर की संगत है और सांप नेवले का संगत है। लेकिन सांप नेवला कह करके भारतीय जनता पार्टी वाले गोरखपुर से बाबा जी जो बैठे हैं, जो झूठ बोलते हैं केवल, बाबा जी का दोनों, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का दोनों किला लूटा गया। एक सीएम साहब उत्तर प्रदेश का, एक थे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के, सब लाली पाप दे दलो कि तू है के मुख्यमंत्री बनाई, इहो लगल खुद ऐसन उठा के पटकल। अरे भारतीय जनता पार्टी के लोग कौनो और काला कैल केशव प्रसाद मौर्य के, लेकिन बुआ बबुआ से ही लोग हिल गल हो। अखिलेश को हराने की बात करते हैं आजमगढ़ से भारतीय जनता पार्टी के लोग। अखिलेश यादव ने विकास के नाम पर जो काम किया है, भारतीय जनता पार्टी वाले सोच नहीं सकते। जब मंदूरी हवाई पट्टी पर देश के पीएम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी आते हैं, उन्होंने भाषण के दौरान कहा पिछली सरकार ने आजमगढ़ को क्या दिया है। मैं कहना चाहता हूं मोदी जी, कान खोल करके सुन लो, समाज जिस हवाई पट्टी पर आपका जहाज लैंड हुआ है, वह हवाई पट्टी समाजवादियों ने दिया। आजमगढ़ में विकास के नाम पर एक ईंट रखने का काम किसी ने किया है, उसका नाम सिर्फ समाजवादी पार्टी है और बहुजन समाज पार्टी है। कहना है क्या मास्टर, बुआ बबुआ के जीत बुआ बबुआ के जीत अब झूठवन के भगई बुआ बबुआ के
मेरे साथियों मेरी गीत पसंद लगी हो, हरिओम स्टूडियो से गा रहा यह गायक अशोक लाल यादव समाजवादी पार्टी, और मेरी गीत को ज्यादा से ज्यादा आप फैलाइएगा, यही मेरी कामना है आप लोगों से। और बुआ बबुआ को भारी से भारी संख्या में जाकर के सुबह पोलिंग बूथ पर और ज्यादा से ज्यादा मत दिलवा करके, और हिंदुस्तान के उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीटें हैं, 80 लोकसभा सीट जितवाने का काम करिएगा, या अशोक लाल यादव आपसे निवेदन करता है। और मेरी गीत को ज्यादा से ज्यादा फैलाइएगा, अगर मेरी गीत अच्छी लगी हो तो। काना मास्टर बुआ बबुआ के जीतई है, बुआ बबुआ के जीतई है, अब की झूठा वन के भगई है, बुआ बबुआ के बबुआ के जीतई है, अब के झूठा उनके भगई है, यह कहीं है भारत का नेवरिया ये बाबूजी, यह कहीं है भारत का नेवरिया ये बाबूजी, हिल गइल मोदी का कंगरिया ये बाबूजी, हिल गइल भाजपा का कंगरिया ये बाबूजी, हिल गइल भाजपा का समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, देश की जनता जिंदाबाद, 85 वाले जिंदाबाद, मूल निवासी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद, 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 कांशीराम अमर रहे, अमर रहे।